चोट के चलते हार्दिक पांड्या टीम से हुए बाहर। उनके स्थान पर आए तीन खूंखार ऑलराउंडर। चयनकर्ताओं ने लिया बड़ा फैसला। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में चयनकर्ता हार्दिक पांड्या के स्थान पर किन ऑलराउंडर को लेना चाहते थे, पूरी खबर क्या है अभी जानेंगे। हार्दिक पांड्या को क्यों रिप्लेस करना चाहते थे, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, अगर आप चाहते हैं सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और शतक लगाएं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं। आपको बता दें, इरफान पठान के बाहर होने के बाद भारतीय टीम को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन इसी कमी को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया था, जो इरफान पठान से अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी ताबड़तोड़ कर सके। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हार्दिक पांड्या को चुना गया था और हार्दिक पांड्या ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन बाद में जब वो एशिया कप 2018 में चोटिल हो गए थे तो उसके बाद से उनका प्रदर्शन पर गहरा असर पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने वापसी की और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजी में वह जलवा नहीं दिखा सके। इसीलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को हटाकर किसी अच्छे ऑलराउंडर की तलाश कर रही थी। इसलिए टीम मैनेजमेंट ने ऐसे खूंखार खिलाड़ी को मौका दिया जो हर दिशा को समझने की काबिलियत रखते थे, और जिसमें पहले ऑलराउंडर थे 31 वर्षीय विजय शंकर, जिन्होंने 2018 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें 2019 में वनडे डेब्यू करने का भी मौका मिला था और उन्होंने IPL 2022 में हार्दिक की कप्तानी के गुजरात टाइटंस की ओर खेलते हुए दिखे थे, लेकिन खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें बाहर कर दिया गया। और दूसरे ऑलराउंडर थे शिवम दुबे, जो एक समय हार्दिक पांड्या के बैकअप के रूप में देखा जा रहा था, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर शिवम दुबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना जलवा नहीं बिखेर सके और पूरी तरीके से भारतीय टीम से बाहर हो गए। और तीसरे ऑलराउंडर थे वेंकटेश अय्यर। जब पिछले साल हार्दिक पांड्या चोटिल चल रहे थे तो वेंकटेश अय्यर को भारतीय टीम में लाया गया था, क्योंकि उन्होंने IPL 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। यदि वह उस समय अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते तो शायद हार्दिक पांड्या की जगह छीन सकती थी, लेकिन वेंकटेश को अच्छा मौका मिलने के बाद भी वह फायदा नहीं उठा सके और वेंकटेश अय्यर भी भारतीय टीम से बाहर हो गए। चूंकि हार्दिक पांड्या चोटिल चल रहे थे, यानी इन तीनों ऑलराउंडरों में से कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किया होता तो टीम इंडिया से हार्दिक पांड्या का पत्ता कट सकता था। गाइज, आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या के स्थान पर किसी और खिलाड़ी को लाना सही था या गलत? अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।